मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। एक बार मैं टीवी पर देख रही थी, इजराइल के एक व्यक्ति का साक्षात्कार उसमें आ रहा था, इंटरव्यू आ रहा था। तो उसमें पूछा गया कि वो बेहद अमीर व्यक्ति था, उससे पूछा गया कि आप भारत आए, आपने यहाँ कोई ऐसी चीज देखी जिसने आपको बहुत अधिक प्रभावित किया हो, जो आपको बहुत खुशी मिली हो। उसने कहा हाँ, एक बार मैं अयोध्या गया, तो अयोध्या के राम मंदिर के बाहर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, उसके दोनों हाथ जुड़े हुए थे और वो लगातार आंखों से उसके आंसू बह रहे थे, वो रो रहा था और पता नहीं क्या बुदबुदा रहा था, उसके होंठ इस तरह कांप रहे थे। मैं उसको लगातार देखता रहा, जब उसकी प्रार्थना खत्म हुई, मैंने उससे पूछा, ए भाई, क्या ईश्वर से कुछ मांग रहे थे, क्यों रो रहे हो? उसने कहा हाँ, मैं ईश्वर से मांग रहा था। क्या मांग रहे थे? उन्हें, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मुझे 1,00,000 रुपए की बहुत सख्त जरूरत है, अगर 1,00,000 रुपया नहीं मिला तो मेरी पत्नी मर जाएगी और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको देखेगा कौन? तो मैं भगवान से मदद मांग रहा था। वो जो व्यक्ति इसराइल से आया था, वो बेहद अमीर था, उसने कहा मेरे पास बहुत पैसा था, मैंने तुरंत अपना ब्रीफकेस खोला, उसमें से 1,00,000 रुपए निकाले और उसको दे दिए। मैंने कहा ये लो, जो अपने जाके पत्नी का इलाज करा लो। फिर उसने अपना विजिटिंग कार्ड निकाला, कहा ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड, इस पर मेरा फोन नंबर लिखा है, ईमेल एड्रेस भी लिखा हुआ है, आपको जब भी पैसे की आवश्यकता पड़े आप मुझे तुरंत फोन करना और आपके पास पैसे पहुंच जाएंगे। इस तरह आपको मंदिर के बाहर बैठ करके रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उस व्यक्ति ने कहा, आपने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया, आपने मुझे अपना फोन नंबर दिया, आपने मुझे अपना ईमेल एड्रेस दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए, इसको आप रख लीजिए। उसने उसको बड़े विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके लौटा दिया, इसको आप रख लो। वो आश्चर्य से कितने क्या बोलते, उसके बाद उसने जो उत्तर दिया उसने तो मेरे दिमाग के सभी तालों को खोल दिया। मैंने, भाई क्यों, आगे भी मतलब पड़ी, तुमको पैसा देने होते यार, आप मुझसे पैसा ले सकते हैं। उसने कहा नहीं, मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन आपसे ज्यादा मुझे अपने उस ईश्वर पर भरोसा है जिसने मेरी प्रार्थना को सुना और आपको तत्काल मेरे पास भेज दिया, उसके द्वारा मेरे पास तुरंत 1,00,000 रुपये आ गया, तो मुझे जब जब आवश्यकता होगी मैं आपको क्यों फोन करूंगा, मैं अपने उस प्रभु से ना फरियाद करूं जिसने आपको यहाँ पर भेजा है। कहते इतनी अटूट आस्था, इतनी अटूट श्रद्धा भगवान में देख करके मेरा हृदय पिघल गया और मैंने सोचा कि मैं तो अपने ऊपर झूठा अहंकार कर रहा हूँ कि मैं बड़ा धनवान हूँ, बड़ा लखपति हूँ, बड़ा करोड़पति हूँ। अरे इस साधारण से इंसान के आगे, इसके विश्वास के आगे, इसके श्रद्धा के आगे मेरी कोई कीमत है ही नहीं, कोई वैल्यू है ही नहीं। और मैं भारत आकर इतना अधिक प्रभावित हुआ, इतना अधिक मेरा हृदय परिवर्तन हो गया कि मैंने वहां की मट्टी को उठाया, अपने माथे पर चंदन के तौर पर लगा लिया और मैंने कहा धन्य है ये भारत देश और धन्य है ये भारतवासी जिनमें अपने धर्म के प्रति इतनी अटूट आस्था है। तो भाई आपको ये घटना कैसी लगी? अगर आप लोग के जीवन में कोई घटना घटी हो तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना, मैं उस पर भी वीडियो बनाकर डालने का प्रयास करूंगी। और रही बात मेरी, तो मैं तो सच कहती हूँ कि मेरा एक एक पल ईश्वर की याद में बीतता है, हर पल वो मेरे साथ चमत्कार करता है। मैं सड़क किनारे खड़ी हो जाती हूँ, कहती थी भगवान मैं सड़क नहीं पार कर सकती, चलो मुझे सड़क पार करो, और मैं तुरंत सड़क पार होती, लगता कि जैसे गाड़ियां रुक गई हो, आराम से तुम निकल जाओ। लेकिन अगर मैंने जरा भी अहंकार किया, अरे मैं बड़ी महान हूं, सच कहती हूँ मेरे अहंकार को चूर चूर होते एक सेकंड नहीं लगता। तो मेरा तो पूरा जीवन भगवान के चमत्कारों से भरा पड़ा हुआ है। हाँ भाई, सबका दिन मंगलमय हो, सबका जीवन खुशियों से भरपूर रहे, सबकी धर्म के प्रति आस्था बनी रहे। मैं अक्सर लिखती हूँ ना कि आप और आपका परिवार सदा सुखी स्वस्थ और संपन्न रहे, आपकी आस्था हमेशा धर्म में बनी रहे और प्रभु आपके सभी मनोरथों को पूरा करें। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ मैं
आप सबसे विदा लेती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको टाटा बाय बाय।